हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है। दिस इज योर बॉय मूसा खान एंड वेलकम बैक येट टू अनदर ब्लॉग। सीन ये आज का कि मेरा भाई बिलाल है, उसने मुझे यू नो बुलाया था घर पे ही। उसने कहा था उसकी वाइफ को करिए तो आ जाना जरूर, ठीक है। लेकिन 50K की सेलिब्रेशन आज हम बेसिकली कर रहे हैं थोड़ी। तो मुझे फिजा ने गिफ्ट दिया बड़ा अच्छा एक। मैंने ना उसको कहा था कि ना मुझे वो घड़ी पसंद आई थी टिसो की ना PRX, तो ना मैंने कहा मुझे ना बर्थडे पे जरूर गिफ्ट करना। तो उसने ना 2 दिन बाद बता रही है, हाँ मैंने तो मंगवा लिया तुम्हारे लिए अभी से, पहले से बर्थडे गिफ्ट हो गया। बर्थडे गिफ्ट ये ईद प्लस गिफ्ट है। नहीं बर्थडे गिफ्ट ही, सब सारा गिफ्ट हो गया। इतनी बर्थडे पे ना मैंने आपको बैग लेके दे रहा यूजिंग द सेम बैग मैं, क्योंकि मैं वो आपने देखा ना मेरा स्कूल वाला बैग, वो मैं पता कब से यूज कर रहा हूं, 2017 से। उसकी जिप भी टूट गई है। तो जब भी कहती हूँ नया बैग ले लो, ये गिफ्ट कर दो, मैंने कब की बर्थडे पे दूंगी। तो ये इसका बॉक्स है, आप जैसे देख सकते हैं, तो उसकी जल्दी से अनबॉक्सिंग करते हैं। साथ उन्होंने हमें लेटर भी दिया है, योर लविंग। अच्छा ये तो पिज़्ज़ा ने दिया, देखो योर लविंग वाइफ पिज़्ज़ा उन्होंने दिया, योर लविंग वाइफ पिज़्ज़ा। कैमरे पे सामने नहीं कुछ कर सकता मैं। तो जैसे आप ये देख सकते हैं ये अनबॉक्सिंग। ओ हो, कितनी प्यारी घड़ी है, जैसे मैंने इमेजिन किया था। चेक करो जरा, ये देखो जरा, ये देखो, दोनों कैमरों पे दिखा देता हूँ। 1 2 ऐसा कह रही थी मुझे डर है ये छोटी ना हो। मैंने कहा नहीं, मैंने खुद छोटी मंगवाई थी, तो मैं मतलब कहा था कि मुझे ये वाली पसंद है ना। तो ये आप ऐसे देख सकते हो। और आज हम घड़ी की भी बात करते हैं। अभी मैं दावत से आऊँगा ना बिलाल की तरफ से, ठीक है, तो फिर आके घड़ियों की भी बात करते हैं। बहुत लोग कहते हैं बड़ी देर से भी मैंने ये रोलेक्स की पहनी हुई है, ठीक है, लेकिन मुझे ये टिसो PRX की चाहिए थी। ये तो उससे कंपैरिजन में सस्ती है, लेकिन आई जस्ट लाइक द लुक, ठीक है, और इतनी भी सस्ती नहीं है। आपकी सेम वो दूसरी रोलेक्स भी तो ऐसी है, लेकिन कौन सी वाली? ग्रीन वाली। नहीं बहुत डिफरेंट है इससे। चमकीली खुली अभी इसको टाइट करना ना, अभी अगर ये टाइट हो खुद ही सही कर लूंगा ना, ये पेच पोच निकालने, मेरे पास पड़ा हुआ सामान। तो ये देखो जरा, मुझे ना पता नहीं स्मॉल डायल तो आजकल ज्यादा अच्छे लगते हैं, बड़े डायलों से ना फॉर सम रीजन आई लाइक इट। वो थोड़ी ना लगती है कि वॉच की ना थोड़ी टाइटर सी फील आती है। बॉयज एंड गर्ल्स, सीन ये कि अभी हम रेडी होके आ गए थे बिलाल भाई के, कोई दूसरा ही अपार्टमेंट है, पता नहीं इधर से उधर जाते रहते हैं। तो उन्होंने बुलाया था दावत पे ना, उनकी वाइफ ने कुछ बनाया हुआ। बिफोर वी गो इनसाइड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खाना एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक। बिलाल भाई क्या हाल चाल है? ये तुम इधर कैसे आ गए, ये कौन सी जगह पे तुम्हें अपार्टमेंट गया है? नहीं लेकिन ये वही वाले मसले की वजह से। बॉयज एंड गर्ल्स ने बताया था ना बिलाल भाई का घर तबाह हो गया था। तो उन्होंने बिलाल भाई को डिफरेंट घर देते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर। ये तो लग रहा है मैं अभी मैं आ गया। अस्सलाम वालेकुम, क्या बन रहा है जरा दिखाओ। अच्छा चिकन सालन अलग से उसके। Yeah, I'm in fried garlic, cilantro. This is mirch chutney, and then you put like potato chips. लेकिन ये तो लेज है ना? Yeah, these are lazy. ये तो नहीं तुमने बनाया? हाँ भाई, boys and girls scene, ये खाना ready हो गया है इस वक्त, ठीक है। निकल गया बस। ये एक सर्विंग होगी। अच्छा ये सॉस डालो उसके ऊपर। सॉस है, फिर उसके ऊपर चिकन है। ये सॉस डालो ना, वो कह रही थी कि ये मिक्स करके खाना साथ। अच्छा इस तरह का है पूरी डिश बनी। अच्छा अच्छा अच्छा, हम ये एग डालेंगे इसके ऊपर। ये बस फ्राइड गार्लिक। आगे टाइम बुचर करने का से। फिलहाल वाइफ्स फूड बहुत तारीफ मैंने सुनी थी, लेकिन अब देखते हैं कैसा है। I made it less spicy for you. Yeah. Oh yeah, thank you. Oh ho ho. ओए होए होए होए। नहीं यार वाकई मजे का। कढ़ाई का टेस्ट है थोड़ा सा, थोड़ा सा स्पगेटी का टेस्ट है। और ये सॉस में क्या डाला था जो पर हमने? कोकोनट क्रीम। तो बहुत बहुत टेस्ट आ रहा है जो भी है यार। ये चीज लगा जैपनीज डिश है कोई? तो मेमन नूडल भी खाते हैं? You're Maimon. I'm not Maimon, I'm Gujarati. No, everybody in Karachi, who's from Karachi knows it. खाना मिलता तो कराची में जाना पड़ेगा। सारे कहते हैं कराची पे आके मीट एंड ग्रीट करना, हम आपको कराची के खाने खिलाएंगे। मुझे होता है मैं व्लॉग कर रहा हूँ फोन से और फोन ही गायब हो जाएगा। तो हाँ भाई, बॉयज एंड गर्ल्स सीन ये है कि हम घर पे वापस आ गए, ठीक है, और मैंने आप लोगों से वादा किया था मैं आपको थोड़ा वॉच रिव्यू करूंगा, तो वही करने में आया हूँ। सीन ये है कि अभी तो मेरे
मेरे पास ये जो घड़ी है जो मुझे फिजा ने गिफ्ट किया है इसको मैंने करना है फिक्स, लेकिन इसको बाद में फिक्स करेंगे। पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी घड़ियां वगैरह दिखा दूं। मेरी वॉच बॉक्स है, ठीक है। अभी तो मेरे पास है टोटल 8 वॉचेस। लेट स्टार्ट इन रिव्यू। मेरे पास एक एप्पल वॉच भी होती थी वैसे ऑन द साइड, लेकिन खैर वो इधर उधर हो गई। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ये फॉसिल की जो घड़ी है, ठीक है। आई थिंक दिस गोज अबाउट फॉर 100 समथिंग डॉलर्स की, ठीक है। जैसे आप चेक कर सकते हो काफ़ी खूबसूरत है और हाथों पे मतलब काफ़ी अच्छी लगती है। दर इज़ अ बिग डायल एज यू कैन सी। आई थिंक दिस इज अ 45 mm मे बी। आई डोंट वेयर इट एज मच क्योंकि मुझे ज़रा बिग डायल्स का इतना शौक नहीं है। ऑल दो जैसे आप देख सकते हो इट डजेंट look bad at all. Seiko wali. Ab ye jo watch hai na Seiko wali, this is a little special to me. This watch my dad used to wear it. Now this is not the most expensive watch. I think ye 2015 mein li thi, mere bhai ne gift ki thi abbu ko na, us time pe $250 ki thi. Ab I would say value increase 350 tak to ho gayi hogi. The watch as you can see. Yeah. मुझे हल्की सी लूज है, मेरी कलाई थोड़ी छोटी हो गई है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन दिस इज हाउ इट लुक्स। मैं काफी पहनता था पहले, लेकिन अब मैंने इसको थोड़ा प्रिजर्व रखता हूँ, ज्यादा पहनता नहीं हूँ। बिलोंग टू माई लेट फादर। आई थिंक अब आ जाते हैं हम ये राडो पे, ठीक है। राडो सफायर क्रिस्टल एज यू कैन सी। अब आई डोंट नो ये वाला आता है कि नहीं, लेकिन दिस इज अ वेरी वेरी ओल्ड वॉच। अब ये मेरे भाई को मेरे अब्बू ने गिफ्ट की थी 2009 में प्रॉबेबली। सो ये 2009 से चलती आ रही है घड़ी। और फिर बिलाल ने, उसने जब दूसरी कोई वॉच ले ली थी तो उसने मुझे पास डाउन कर दी थी, बिलाल जिसे भी आप नहीं मिले मेरे भाई से। और अभी मैंने वैसे फिजा को गिफ्ट कर दी है वॉच। वेरी वेरी प्रिटी वॉच, गोल्ड प्लेटेड है जैसे आप देख सकते हो साइडों पे, हाथों पे लुक्स प्रिटी गुड, लुक्स प्रिटी प्रोफेशनल, प्यारी लगती है और बड़ी मतलब के ना लाइक लाइट है। उसके बाद लेट्स गो विद द बुलोवा वॉच। अब ये मैंने खुद ली थी, आई थिंक आई बॉट इट मे बी 1 year ago, I don't remember. I think ये मैंने सिएटल में ली थी जब मैं वली भाई के पास था। इसमें मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं पहले। इट्स अ वेरी नाइस टाइम पीस की सबसे प्यारी चीज है ये पीछे। अच्छा बाय द वे मैं बताना भूल गया, मेरी सो फार जो मूवमेंट वॉचेज हैं वो ये हैं। तो ये दोनों मूवमेंट वॉचेज हैं, फॉसिल की पहली वाली और ये वाली। उसके बाद अब ये है कार्टियर। ये मुझे मिली थी वेडिंग गिफ्ट पे मामू से। मैं दो गिफ्ट मिले, मैं आपको दिखाता हूँ एक और है। अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल वॉच और इस पे भी मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स अक्सर आप लोग नोटिस करते हो वीडियो के अंदर, ठीक है। बहुत प्यारा और फॉर्मल टाइम पीस है। इसको हम यहाँ से अगर खोले, पहले जब मैंने पहली दफा देखी थी ना, मैंने कहा था यार जिसको ब्लू सा लगा होता ना क्रिस्टल सा, ये मुझे इतना मजे का नहीं लगा। बट व्हेन आई स्टार्टेड वेयरिंग इट मैन इट काइंड ऑफ लुक रियली गुड। ये पीछे से इसे आप देख सकते हो, काफ़ी प्यारी लगती है हाथों पे वॉच। एज यू कैन सी इट कैन गो विद ऑलमोस्ट एनीथिंग। ये जो आप मुझे बहुत देख रहे होगे आजकल पहनते हुए, ऑयस्टर परपेचुअल, ठीक है। ये मुझे मिली थी ईबे से, बड़े मतलब के तरीके से प्राइस गिरा गिरा के बंदे से पकड़ी थी मैंने। अराउंड 3500 पे मुझे मिल गई थी और थोड़ी सी अजीब कंडीशन में थी। उसको सारा बफ करा के साफ कराया था जैसे आप चेक कर सकते हो। वली ने कहा था कि इतनी मजे की नहीं है, लेकिन मैं जब पहनी ना उसने कहा नहीं नहीं वाकई अच्छी लगती है। एंड इट गोज रियली गुड विद ब्लैक कलर्स, इट गोज रियली गुड विद ब्राउन कलर्स। मतलब अभी मैंने ब्लैक टी शर्ट पहनी ना तो उसके साथ बहुत प्यारी मैच करती है जैसे आप चेक कर सकते हो। लास्टली ये है मेरी सबमरीनर, ये मामू ने मुझे दी थी। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिटी लुकिंग वॉचेस, मुझे बहुत पसंद थी सबमरीनर ना। ब्लू वाली बड़ी पसंद थी लेकिन फिर मैंने ग्रीन वाली देखी, मैंने कहा ये भी इक्वली प्यारी है यार। और आप लोगों ने तो बहुत देखा होगा, मैंने बहुत सी वीडियोस में पहनी होती है, थोड़ी गंदी हो रही है, इसकी थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह मैंने करवानी है, लेकिन खैर दिस इज़ हाउ इट लुक्स ऑन द हैंड। ये बहुत प्यारी लगती है वॉच ना, मतलब मैं अक्सर पहनी होती है वीडियो में बात कर रहा होता ना, तो द ग्लो एंड द शाइन इट गिव्स और ये जो ग्रीन कलर है ना जो स्पार्क मारता है, हाय हाय इट कैचेस अ लॉट ऑफ अटेंशन। हमारी जो फाइनल वॉच है जो फिजा ने मुझे गिफ्ट किया है, उसको भी कोशिश करता हूँ फिक्स करने की। भी मैं टाइम क्रंच पे हूँ, बिल्कुल सैरी से पहले का टाइम हो रहा है और अभी मैंने वीडियो लगानी है थोड़ी देर में। अच्छा ये कहाँ से निकलेगा, बॉयज एंड गर्ल्स बहुत कोशिश के बाद ये मेरे से घड़ी नहीं हो रही, क्योंकि इसके जो वो पेच है बहुत बहुत छोटे हैं इसके पेच ना, तो ये मेरे से भी काम हो नहीं रहा, ये किसी दुकान वाले से ही जाके करवाना पड़ेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात बॉयज एंड गर्ल्स, आज की इंस्टाग्राम पे आज मैं इंशाल्लाह लगाऊंगा गिव अवे की रील लगाऊंगा, ठीक है। एक तो प्राइज हमारा हो गया मामू की तरफ से जो मामू ने गिव अवे करना, तो मामू कहते हैं मैं प्रोटीन पाउडर इंशाल्लाह एक दूंगा पहले विनर को ना। दूसरा मैं ये सोच रहा हूँ कि आई विल गिव अवे $50 टू 4 पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। 1 2 3 4 4 50 50
$5, ठीक है, और उसके बाद मैं एक प्रोटीन पाउडर का अनाउंस करूंगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खाना पर, इंशाल्लाह 100K की मुबारकबाद में उससे बेहतर वाला गिव अवे करेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑफ कोर्स ऑन इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पर आई एम फुली एक्टिव नाउडेज। टिकटॉक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक को मैं कोशिश कर रहा हूँ सड़क से उठाऊं पर, लेकिन अभी देखते क्या बनता है, मेरे से बेहतर दूसरे अकाउंट करें टिकटॉक पे मेरा ही माल लगा के। एनीवेज आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।